कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत गिर गई। मलबे से 2 लाशों और दर्जन से ज्यादा जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वजीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। लियारी खड्डा मार्केट के करीब जमीन बोस होने वाली इमारत में रात गए से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 2 अफराद की लाशें और 2 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी हादसे की जगह का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमारत गिरने के वाके पर इंक्वायरी होगी, जो इदारा गफलत में मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुबह से ही इस बिल्डिंग में कुछ क्रैक थे और एक तरफ झुकी हुई थी, तो बहुत सारी एवैक्यूएशन यहाँ से हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका था। पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ भी इस तरह की बिल्डिंग्स हो, यहाँ पर कराची में 300 से ज़्यादा बिल्डिंग हैं इस तरह की, जो पुरानी मखदूश, जिनको नोटिसेस भी दिए गए हैं, जिनसे नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, लेकिन लोग खाली करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इस पर एक पूरी कानून साजी। मुतासर अफराद के मुताबिक हमारे बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं, हुकूमत मुतासर खानदानों की इमदाद करके मुतबादल जगह फराहम करे। 3-4 महीनों के अंदर ये तीसरा चौथा वाकया है। इससे पहले भी बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और हुकूमत जो है कुछ कर नहीं रही है, तो भाई ये हुकूमत को तो चाहिए पूरा नुकसान भी भरना होगा और भाई इनको जो है इनके लिए नई रिहाइशें भी करनी होंगी। अब ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा सकेगा।